नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। दुनिया में तमाम तरीके के किस्से होते हैं, ऐसे किस्से जो आप जब भी सुनते हैं आप हैरान हो जाते हैं, यकीन करने को दिल नहीं चाहता। और यही आवाज आती है कि ये बात कहानी किस्सा तो हो सकती है लेकिन हकीकत नहीं हो सकती, लेकिन उसके साथ जुड़े हुए कई राज, कई बातें, कई दस्तावेज और कई रिकॉर्ड्स होते हैं जो बताते हैं कि ये घटना हुई तो थी ठीक बिल्कुल वैसी ही जैसी बताई जा रही है या दिखाई जा रही है। और वो इतनी हैरान करने वाली होने के बाद भी यकीन करने के लिए मजबूर कर देती है। भारत देश में कानून किस तरह काम करता है, कानून कितना मजबूत है, कानून कितना लोगों के साथ है और कितना ह्यूमन है, कितना संवेदनशील है, ये तो आप सब लोग जानते हैं। इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कई बार ऐसे किस्से आते हैं, कई बार ऐसी घटनाएं आती हैं, कई बार ऐसी बातें सामने आती हैं जिसमें दिखता है कि कानून ने अपना काम ठीक से नहीं किया। कभी पुलिस के लेवल पर, कभी अदालत के लेवल पर, कभी और किसी लेवल पर कुछ न कुछ जाती ऐसी होती ही रहती है जिसके बाद लोगों ने मान लिया है कि अगर ये भारत के कानून में हो रहा है तो वो कुछ न कुछ उसमें ऊपर नीचे है, 19-20 का भी फर्क है तो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। बाकी दुनिया के देशों में ऐसा नहीं होता। दुनिया के देशों में जो कानून है उसके साथ मजाक नहीं किया जाता, उसके साथ ऊपर नीचे नहीं किया जाता। कई देश ऐसे भी हैं जहां पर कानून के साथ खिलवाड़ होता है, वहां कानून की नहीं चलती, लेकिन ज़्यादातर दुनिया के दूसरे देशों में कानून बहुत सख्त होता है। उसको पालन करवाने वाली एजेंसीज, जाँच करने वाली पुलिस और उसको निर्णय तक ले जाने वाली अदालतें सब कदम दर कदम बेहद मजबूत होती हैं। लेकिन भारत में क्या हालात हैं, आज की कहानी एकदम बिल्कुल इसको साफ कर देती है। आप कभी सोच सकते हैं कि किसी को किसी मुकदमे के लिए सज़ा मिल रही और वो साल दर साल इंतज़ार करता रहे, ना उसका मुकदमा सुना जाए, ना उसकी कोई सुनवाई हो, ना उसकी सज़ा तय हुई और ना ही उसका गुनाह साबित हुआ, फिर भी वो जेल में बंद रहे और वो भी 1-2 साल बल्कि पूरे 54 साल। और 54 साल बाद वो जेल से जब निकले तो उसको कुछ भी याद ना हो, न घर, न गांव, न रिश्तेदार, न नातेदार, और उसको पहचानने वाले भी चंद लोग ही बचे हों। तो आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि कैसे कानून अंधा हो जाता है, कैसे पुलिस अपनी जांच में इतनी लापरवाह हो जाती है कि किसी के साथ क्या गुजर गया, किसी के साथ क्या बीत रही है, कैसे उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, ये कुछ नहीं सोचती। और ये कहानी है 1951 की। 1951 में असम का एक जगह है गुवाहाटी। गुवाहाटी के 50 किलोमीटर दूर एक गांव था। उस गांव में एक रहता था शख्स, उसका नाम था माचल लालुंग। माचल लालुंग वहाँ की जनजाति से ताल्लुक रखता था और वहाँ पैदा हुआ, वहीं बड़ा हुआ, वहीं लोगों के साथ रहा और उसी गांव में उसका जीवन यापन होता था। बेहद गरीब लोग थे, जनजाति के लोग ज़्यादातर गरीब होते हैं, नेचुरल संसाधनों पर अपना जीवन निकालते हैं, पेड़ पौधे, फल फूल और जो अनाज पैदा होता है उसी से अपना जीवन काटते हैं और रुपए पैसे तमाम चीज़ों का उनको कोई लालच नहीं होता। ये बात 1951 की है, इससे चंद दिनों पहले ही देश को आज़ादी मिली थी। तमाम जश्न दुनिया भर में हो रहे थे, देश में हो रहे थे, अलग अलग इलाकों में हो रहे थे और असम के इस इलाके में भी कई जश्न हुए कि हम आज़ाद हो गए हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि आज़ादी के 4 साल बाद ही उनके गांव में एक ऐसी घटना घटेगी जो इतिहास में दर्ज हो जाएगी, जो आज़ादी के मायने ही बदल देगी, जो उनके गांव के लिए एक ऐसी आफत लेकर के आएगी, एक ऐसी घटना लेकर के आएगी जो साल दर साल बीतते बीतते जीवन भर याद की जाएगी। तो ये जो माचल लालुंग थे, ये भी एक रात, जनवरी फरवरी का वक्त था, एक रात अपने तमाम लोगों के साथ जश्न मना रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। उस वक्त माचल लालुंग की उम्र करीब 23 साल थी। यंग, एकदम जवान और जोश में डूबा हुआ एक शख्स तमाम अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर डांस कर रहा था। वो लोग अपना जो भी शराब या जश्न मनाने के लिए कुछ खाने पीने का था वो भी कर रहे थे और वो जो भी प्राकृतिक संसाधन थे उसके हिसाब से इंजॉय कर रहे थे। शाम को ये जश्न शुरू हुआ था और अभी थोड़ी ही देर बीती थी, इन लोगों का आपस में कुछ झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद झगड़ा इतना बढ़ गया कि गांव के लोगों ने शिकायत कर दी पुलिस से।
पुलिस गांव में पहुंची, उसने पूछा, पूछताछ की तो सब ने आरोप लगा दिया कि माचल लालू ने मारपीट की है लोगों के साथ, नशे में एक दूसरे को मारा है और उसकी वजह से ये लोग चोट भी खा गए हैं और सब लोगों ने माचल लालू की तरफ ही इशारा किया। अब इस पूरे मामले में कुछ एक लोगों को पकड़ करके पुलिस थाने ले गई, उसमें एक शख्स था माचल लालू जो, उसको पुलिस ने समझ लिया कि इसी का गुनाह है, इसी ने मारपीट शुरू की थी, लिहाजा इसको सजा मिलनी चाहिए। पुलिस ने कागज भरे, उससे नाम पता पूछा, जो फॉर्मेलिटीज हैं वो की और उसको जेल में डाल दिया। कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट ने कहा कि सुनवाई होगी, इसको जेल में भेज दिया जाए। अभी इसको जेल में भेजा गया, उसके बाद इस पूरे मामले में जांच होनी थी, फैसला आना था, सब कुछ तय होना था, लेकिन हैरानी देखिए कि माचल लालू को जेल में डाल दिया गया 1951 में और उसके बाद वो जेल में रहने लगा, इंतजार करने लगा कि कब उसकी कोर्ट की पेशी होगी, कब उसकी सुनवाई होगी, कब वो बेगुनाह साबित होगा और कब उसको जेल से आज़ादी मिलेगी। ये देखते देखते पहले हफ्ते, महीने, फिर साल, फिर कई साल, फिर कई साल होते होते ये वक्त गुजर गया, करीब 10 साल। 10 साल में ना तो कोई सुनवाई हुई, ना कोई उससे मिलने आया, ना उससे किसी ने कुछ पूछा, ना इसने किसी को कुछ बताया। अब वो पूरी तरह से जेल में रहने लगा, यहाँ तक कि वो जेल को ही अपना घर समझने लगा। 35-36 साल की उम्र हो गई थी और उसको भी पता था कि अभी जब तक मुकदमे की सुनवाई नहीं होगी तब तक जो है उसको रिहाई मिलने का कोई रास्ता नहीं है, तो उसने अपना मन जेल के भीतर ही लगा लिया। उधर जो काम दिया जाते वो काम करता, लोगों से दोस्ती आपस में कर ली, उन्हीं के साथ रहने खाने लगा। लेकिन ये वक्त गुजरने के बाद और अकेलापन उसको बहुत सताता था, परिवार से भी दूर था, परिवार भी कोई बचा नहीं था, जो आए वहाँ पर गरीब लोग थे, लोगों के पास जानकारियाँ इतनी होती नहीं थी और उस वक्त ना ही नेटवर्किंग और फ़ोन के इतने संसाधन होते थे जिससे वजह से बात किया सके। धीरे धीरे ये चीज़ उसके दिमाग पर असर करने लगी। एक रोज़ इस बात की शिकायत हुई कि इसका शायद दिमाग खराब है, यानी मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। जेल प्रशासन ने जब ये देखा तो उसको पास के अस्पताल में भेज दिया। अस्पताल में भेजा तो उसको वहाँ पर एडमिट किया गया, उसकी जांच की गई, उसको दवाइयाँ दी जाने लगी, इंजेक्शन लगने लगे, इलाज चलने लगा। और ये करने के बाद जेल प्रशासन ने उसकी सुधि नहीं ली, न जेल प्रशासन ने सुधि ली, न वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने ली, न पुलिस ने ली, न डॉक्टर्स ने ली, न उसके परिवार वालों ने ली। जानने वाले तो खैर भूल ही चुके थे 10 साल में कि कोई माचल लालू नाम का आदमी यहाँ रहता भी था। अब धीरे धीरे करके जेल से अस्पताल में 16 साल बीत गए, एक दो नहीं 16 साल बीत गए और माचल लालू अस्पताल में ही पड़ा रहा, इलाज कराता रहा, इलाज के नाम पर रहा। और अस्पताल के लोग कहें कि ये ठीक हो गया, लेकिन भेजे कहाँ, जेल की तरफ से कोई संपर्क नहीं किया रहा था, अस्पताल के लोग इसको छोड़ सकते नहीं थे, ये खुद बता नहीं पा रहा था कि कहाँ क्या कैसे क्या कहाँ रहना है। अब ये जेल में पहुँच ही नहीं पाया। फिर उसी बीच एक इलाज कराने के लिए एक और शख्स आया, वहाँ पर उसने देखा कि माचल लालू तो जेल में था, वहाँ से इलाज कराने के लिए आया था और इतने साल में यहीं क्यों पड़ा हुआ है। उसने थोड़ी खोजबीन की, पूछताछ की तो पता चला कि जेल वाले भूल गए हैं कि उसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है, अस्पताल वाले ये भूल गए हैं कि उसको यहाँ से इलाज ठीक होने के बाद उसे जेल भेजा जाना है, और घर वाले तो खैर पहले ही भूल चुके थे, गांव वाले और रिश्तेदार वो भी भूल चुके। 16 साल बीत गए और माचल लालू के बारे में किसी ने जब सुध नहीं ली तो हैरानी ये हुई कि जब उस आदमी ने बताया अस्पताल को कि ये तो जेल में था और यहाँ पर अभी तक इलाज करा रहा है, तो आनन फान में उसको अस्पताल से जेल भेजने की कवायद शुरू हुई, उसको जेल भेजा गया। अब वहाँ रहने लगा, धीरे धीरे करते करते उसको वहाँ फिर से कोई उसकी सुनवाई नहीं, ना अदालत से कोई सम्मान आता था, ना पुलिस कोई पूछने आती थी, ना जेल वाले उसके लिए कुछ करते थे, तमाम लोग जैसे बंद थे वैसे ही वो भी बंद रहने लगा, एक तरीके से वही जीवन हो गया। करते 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 इसको 30-35 साल गुजर गए। अब उसकी जो मानसिक स्थिति थी और ख़राब हो चुकी थी, उसे याद ही नहीं था कि मैं किस मुकदमे में था या क्या मेरा घर है या मेरे क्या लोग हैं या कौन है, कुछ भी याद नहीं था। लेकिन वो क्या कर सकता था, गरीब आदमी था, न उसका कोई संबंधी सगा और ना ही कोई जेल की तरफ से उसको मदद करता, ना पुलिस की तरफ से, तो वो अब चुपचाप जीवन वहीं काटने लगा। लेकिन इसको करते 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 करीब 54 साल गुजर गए,
यानी वक्त आ गया 2005 का। 1951 में इस आदमी को गिरफ्तार किया गया मामूली लड़ाई झगड़े के लिए। अगर उस मामले में उसको अदालत सुनवाई करती और सारे सबूत उसके खिलाफ होते और उसको सजा देती और मैक्सिमम सजा देती तो उसको 10 साल की सजा मिलती, यानी 10 साल बाद वो आज़ाद हो जाता। 23 साल की उम्र में गया था, 33 साल की उम्र में आज़ाद हो करके वो अपने घर लौट सकता था, अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकता था। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई सबूत पेश नहीं किए गए, पुलिस ने कुछ कहा नहीं, अदालत ने कुछ देखा नहीं, लिहाजा बगैर सुनवाई के वो 54 साल से जेल में बंद था। वो भी ऐसे मामले में जिस मामले में उसको मैक्सिमम सज़ा भी 10 साल मिलती, यानी कि 44 साल वो ऐसे काट चुका था जो उसको किसी भी सूरत में सज़ा मिलनी ही नहीं थी। अब गलती पुलिस प्रशासन की, फिर जेल प्रशासन की, फिर अदालत की, लेकिन कौन किसी गलती माने ये संभव ही नहीं था। लिहाजा गाज गरीब पर गिरी, किसी ने सुध नहीं ली तो किसी ने पूछा नहीं। अफसर आए, ट्रांसफ़र हो गए, चले गए। इन 54 साल में दसियों बार अस्पताल का जीवन बदला, अफसर बदले, जेल का पूरा पूरा अमला और प्रशासन बदला, पुलिस महकमे के लोग जो लोग नौकरी में थे वो रिटायर हो गए, कुछ लोग मर गए, कुछ लोग प्रमोशन पा गए, कुछ लोग अलग ट्रांसफ़र हो गए, यानी सब कुछ बदल चुकी थी दुनिया उसके बाहर। अगर एक चीज़ नहीं बदली थी वो ये कि माचल लालू उसको ना तो कोई सुन रहा था, ना कोई सुद ले रहा था और ना ही उसको कोई रिहाई की गुंजाइश लग रही थी। इस बीच शायद कुदरत को उसके ऊपर दया आई या इत्तेफाक कहिए, एक शख्स फिर से उसने जिसने जेल की सज़ा काटी थी, वो 2-3 बार इस बीच में जेल आ चुका था, जा चुका था, जमानत मिल चुकी थी, बाहर से आता फिर अपराध करता फिर आता, लेकिन उसको एक बात खटकी कि जेल के भीतर एक शख्स है जो पिछले कई दशक से यहीं है और ना तो वो यहाँ का एम्प्लॉय है और ना ही ऐसा अपराधी लगता है जो कि शातिर अपराधी हो, या आखिर है क्यों, आखिर क्या वजह है। उसने पता करना शुरू किया। जब पता करना शुरू किया तो उसको पता चला कि इसकी तो सुनवाई ही आज तक नहीं हुई और आया ये मामूली मारपीट के झगड़े में था, यानी कि गुनाह भी इतना बड़ा नहीं है। तो उसने इसकी खोजबीन शुरू की और जेल प्रशासन तक बात पहुंचाई। जेल प्रशासन ने पहले तो उसकी बात को यकीन ही नहीं किया क्योंकि सब स्टाफ बदल चुका था, लोग बदल चुके थे, सब कुछ बदल चुके थे। लेकिन जब उसने बहुत इंसिस्ट किया तो उन्होंने इसकी फाइल खंगाली तो सच निकली बात। 1951 में माचल लालू को यहाँ लाया गया था और तब से वो यहाँ पर रह रहा था। बीच में 16 साल के लिए अस्पताल इलाज कराने गया था। अब ये भी कोई नहीं जानता था कि 16 साल किस चीज़ का इलाज कराया, लेकिन वो भी एक लापरवाही की बड़ी मिसाल थी। ये बात मीडिया तक पहुंची। जब मीडिया तक पहुंची तो एक रिपोर्टर ने इस पूरे मामले में पड़ताल शुरू की। जब पड़ताल की तो उसको जब सच्चाई पता चली तो उसने ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकार के ग्रुप से संपर्क किया। उन लोगों ने एक रिट लगाई अदालत में, वो भी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में तमाम दस्तावेज, तमाम जानकारियाँ, तमाम डिटेल, फोटोज़ के साथ जब उन्होंने 2005 में इस बात की रेट लगाई कि एक आदमी के साथ ऐसी नाइंसाफ़ी हो रही है कि पूरा पुलिस प्रशासन सोया हुआ है, जेल सोई हुई है, अस्पताल सोया हुआ है और तो और सरकार सोई हुई है। अदालत ने इसको बेहद गंभीरता से लिया। अदालत को लगा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन राइट्स को वायोलेट करने वाला मामला है। फौरन असम सरकार को इस बात का आदेश दिया गया कि इस शख्स के बारे में पता किया जाए, रिपोर्ट दी जाए। एक हफ्ते का वक्त दिया गया, लेकिन फिर अदालत ने कहा एक हफ्ते का भी वक्त नहीं दिया जाना चाहिए और अपने आदेश में सख्त रूप से कहा कि एक एक मिनट जो ये शख्स जेल के भीतर गुजार रहा है वो गुनाह है और इसकी जिम्मेदारी सरकार पर है, तो लिहाजा इसका जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसके बारे में पूरी डिटेल दी जाए, जानकारी दी जाए और उसको रिहा किया जाए। असम सरकार ने माना कि वाकई माचल लालू नाम का एक आदमी बंद है और उसकी 1951 यानी 54 साल से कोई सुनवाई ही नहीं हुई, अदालत में पेशी ही नहीं हुई, कोई गवाही ही नहीं हुई, कोई सबूत ही नहीं हुआ है। अब अदालत ने नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी अधिकारी थे, पहले तो सबके फटकार लगाई, सबके खिलाफ नेगेटिव टिप्पणी की, सरकार के खिलाफ की, फिर कहा कि इसको फौरन ही रिहा किया जाए, इसको सरकार फौरन रिहा करे और इसे घर ले जाए, साथ ही साथ इसको मुआवजा भी दिया जाए। हालांकि जो मुआवजा दिया गया उसके कीमत उसकी जीवन उसके 54 साल के सामने कुछ भी नहीं है, ये सिंबॉलिक ही था, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा दिया वो 3 लाख रुपए दिया। 3 लाख कोई भी रकम नहीं होती, 2005 में भी नहीं और आज भी नहीं और 1951 में शायद होती होगी। लेकिन जिस तरह की चीज़ अदालत ने की उससे एक बात तो साफ हो गई कि अदालत ने इस बात को समझा कि इसके साथ बेहद ज़्यादती हुई है,
इसकी जीवन को खत्म कर दिया गया। 54 साल जेल में रहने के बाद जब वो आदमी निकला तो उसकी उम्र 77 साल थी। यानी कि जो हंसने खेलने खाने के दिन, जो परिवार, शादी, बच्चा, पढ़ने लिखने हर चीज़ का वक्त निकल चुका था, जीवन को एंजॉय करने का वक्त निकल चुका था, उसने 54 साल तक जेल की चार दीवारी के अंदर वक्त काटा और उसने सब कुछ अपना गंवा दिया। जब उसको ले जाया गया तो उसकी हालत, शारीरिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी, मानसिक हालत वैसे भी बिगड़ चुकी थी। तो कई लोगों को उसने गाँव में पहचाना ही नहीं, क्योंकि वो लोग उसके सामने पैदा ही नहीं हुए। उनके उसके जाने के बाद पैदा हुए, बड़े हुए और बुजुर्ग हो गए थे, यानी 50-55 साल के भी लोग जो थे वो लोग भी उसके सामने पैदा नहीं हुए थे। और कई ऐसे लोग थे जो मर चुके थे, तो नए लोगों ने उसको नहीं पहचाना, वो छोटे थे। लेकिन खैर, उसके एक दो रिश्तेदारों ने उसको पहचाना जो कि दूर के रिश्तेदार थे और जानते थे कि वो जेल गए हैं और गरीबी की वजह से न तो कभी मिलने गए न कि कभी सुध ली। ये वो लोग ये मान के बैठे हुए थे शायद माचल की अब मौत हो चुकी होगी। लेकिन अचानक गाँव में देख करके उनके जितने भी रिश्तेदार थे वो इकट्ठा होकर के आ गए। उन लोगों ने फिर उसको गले लगाया, अपने साथ रखा। लेकिन देखिए, 54 साल तक इंसाफ के लिए वो जेल के भीतर बेगुनाह होकर के या गुनाहगार होकर के भी 54 साल तक जेल के भीतर बगैर फरियाद सुने के, बगैर किसी जांच के जेल के भीतर बंद रहा। लेकिन जब जेल से बाहर आया तो 2 साल बाद यानी कि 2007 में माचल लालूंग की मौत हो गई। तब तक उसकी उम्र 79 ईयर्स हो गई थी। 79 ईयर्स की उम्र में वो उसकी मौत हो गई। लेकिन ये इंसिडेंट, ये घटना, ये कहानी ये बताती है कि कितने लापरवाही से पुलिस अपनी जांच करती है, कितनी लापरवाही से कानून अपना काम करता है, कितनी लापरवाही से पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन, जेल प्रशासन चुप्पी साधे बैठा रहा कि एक आदमी जो मामूली झगड़े में 50 साल से भी ऊपर का वक्त जेल के भीतर काट गया, उसके बारे में न तो पता किया, न उसकी पेशी हुई, न कोई गवाही हुई, न उसका गुनाह सबूत मिला, न गुनाह साबित हुआ, लेकिन 54 साल की सजा उसको बगैर किसी बात की मिल गई। और सजा भी ऐसी कि जिसमें उसका पूरा जीवन निकल गया। और आखिर में क्या उसको मिला? 1-3 लाख रुपए का मुआवजा, जो शायद उसके किसी काम का नहीं था, ना उसको एंजॉय कर सकता था, ना अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकता था, केवल शायद दवाइयां या कुछ खाने पीने के लिए इस्तेमाल हुआ। और जब उसको रिहा किया गया तो जेल मैनुअल के मुताबिक किसी को मुफ्त में फ्री रिहा नहीं किया जाता, तो एक सिंबॉलिक वो होता है, तो उसको 1 रुपए की दरकार थी, उसका भी इंतजार करना पड़ा। 1 रुपए की जमानत दी गई उसको, 1 रुपए जमा कराया गया, 1 रुपए के बॉन्ड के ऊपर उसको जमानत दी गई, फिर उसको रिहा किया गया। अफसोस ये कि जब वो अपने घर पे आया तो उसके पहचानने वाले जानने वाले लोग मर चुके थे, वो खुद भी किसी को पहचानता नहीं था। यानी जो सुख उसको मिल सकता था अपनों के साथ होने का, वो भी उसको मुहैया नहीं हुआ। और आखिरकार 2 साल के बाद उसकी मौत हो गई। तो ये एक कहानी ऐसी थी जो अंदर तक झकझोरती है कि अगर सिस्टम सो जाए, सिस्टम लापरवाह हो जाए और सिस्टम इस तरह की नाफरमानी करे तो कैसा कैसा लोगों के साथ हो सकता है। ये किस्सा था माचल लालूंग का, जिसने 54 साल बगैर किसी गुनाह के साबित हुए जेल में गुजार दिया। ये किस्सा था उस पुलिस की सोती हुई व्यवस्था पर, जो एक केस में किसी को बंद कर तो देती है लेकिन उसकी फिर सुध नहीं लेती, उसे नहीं पता होता क्या हुआ। ये किस्सा पूरे सिस्टम के ऊपर सवाल है, जिसमें लोग ऐसे सो जाते हैं कि किसी की जिंदगी खराब हो जाए, किसी का जीवन खत्म हो जाए और कोई 54 साल तक जेल में बंद रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज एक कहानी ऐसी भी में आज बस इतना ही। अगली बार फिर किसी हैरान करने वाली कहानी के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।